Hey Korean Jogya viewers, this is Mika Bansal और आज हम बात करने वाले हैं Eternal Love के episode 11 की. So, let's get started. यहाँ Bison Meegu से Passion के बारे में पूछता है. Meegu बताता है वो तो 10 mile peach tree wood में गई है. आप उनसे वहाँ नहीं मिले क्या? Bison कहता है वो कल रात वहीं थी, but जब मैं उठा वो वहाँ नहीं थी. क्या वो यहाँ वापस आई है? Meegu मना करके कहता है, but Zian यहाँ आए हैं. Bison कहता है Zian, वो क्या Celestial Palace से वापस आ गए? Zian बाहर आकर कहता है, हाँ मैं वापस आ गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Bison पूछता है, तुम तो Celestial Palace में मैरिज को कैंसिल करने गए थे. मैं Passion में उलझ गया, इसलिए पूछना भूल गया. Zian कहता है, सांग जी से रिश्ता तो कैंसिल हो गया, बट Celestial Palace से अभी भी रिश्ता है. Bison पूछता है, मतलब? Zian कहता है, चलो मैं बताता हूँ. यहाँ दीजुन कुल्लूर माउंटेन पहुँच कर Passion का लिखा हुआ स्क्रोल पढ़ कर फेंग जू को उठाता है. फेंग जू उठकर पूछती है, दीजुन क्या ये बेल सच में बजी है? दीजुन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फेंग जू कहती है, मैं आंट को फॉलो कर रही थी. दीजुन पूछता है, वो आंट Passion जो कभी पब्लिक में नहीं दिखी, वही ना? फेंग जू कहती है, हाँ मेरी आंट Passion है, मुझे याद है कल रात शायद, बट पता नहीं कि वो कल रात है भी या नहीं. सोने से पहले मैंने अपने आंट को 10 माइल पीच ट्री वुड से जाते हुए देखा, मैंने उन्हें फॉलो भी किया. दीजुन पूछता है, क्या तुम्हारी आंट का कुल्लूर माउंटेन से कोई रिलेशन है? फेंग जू मना करके कहती है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना. दीजुन पूछता है, क्या तुम्हारी आंट ये छोड़ के गई? फेंग जू कहती है, हाँ वो जैसे ही उस स्क्रूल को लेती है. दीजुन पूछता है, तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? फेंग जू कहती है, आंटे का आता है इसमें मैजिक टेक्निक है. दीजुन एग्री करके कहता है, इसमें बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर में स्प्रिट को सील करने की टेक्निक भी लिखी है. फेंग जू कहती है, बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर वो तो हेवंस और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या ये वही आर्टिफैक्ट है जिसमें गॉड मोयुआन की सोल ने सैक्रिफाइस 70,000 पहले रूशी रिवर के पास किया? दीजुन एग्री करके कहता है, मोयुआन ने इसकी टेक्निक से शिंकांग को सील किया, मतलब तुम्हारी आंट का गहरा रिश्ता कुल्लूर माउंटेन से है. फेंग जू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब से आंट पैदा हुई है उन्होंने चिंगचू के बाहर कदम तक नहीं रखा, ये कैसे पॉसिबल है? दीजुन पूछता है, सच में? फेंग जू हिचकिचाके एग्री करके कहती है, आपने मुझे बचाया है, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? दीजुन हंसकर स्क्रोल फेंग जू को मारकर चला जाता है. फेंग जू उसका पीछा करती है. यहाँ लीजिंग कुल्लूर माउंटेन की केव में घूमता है, उसे सीएन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, जो भी हुआ उनकी लव स्टोरी से लेकर उनके ब्रेकअप तक का सफर. फेंग जू दीजुन का पीछा करती है. दीजुन पूछता है, तुम मेरा कब तक ऐसे पीछा करोगी? फेंग जू कहती है, आपका जो कर्ज है मुझे वो चुकाना है. दीजुन पूछता है, मैंने चाहा क्या? फेंग जू कहती है, Zian ने कहा था कि कर्ज चुकाना चाहिए, अगर मैं यहाँ नहीं चुका पाई तो मैं कहीं और चुका दूँ क्या? दीजुन पूछता है, तो तुम कैसे चुकाने का सोच रही हो? फेंग जू कहती है, मैंने नहीं सोचा. तभी पीछे लीजिंग गुजरता है. दीजुन उसे कहता है, जब से मोयुआन यहाँ से गया है कुल्लूर माउंटेन में इतनी हलचल नहीं है. तभी लीजिंग उसे ग्रीट करता है. दीजुन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीजिंग कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और देखने चला आया, यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब सुना हो गया है. वो दीजुन से यहाँ आने के लिए माफी मांगता है. दीजुन के जाने के बाद लीजिंग सोचता है, आयन 70,000 ईयर्स बीत गए, कहाँ हो तुम? यहाँ दीजुन आगे बढ़कर सीमिंग को स्ट्रोल देकर कहता है, मुझे अब सब समझ आ गया, बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर की सील परमानेंट नहीं है. सीमिंग स्क्रोल देखकर कहता है, ये हमें रिपोर्ट हेविली लॉर्ड को देनी होगी ताकि हम प्लान बना सके. सील कब लिफ्ट हुई? दीजुन कहता है, आज होना था, मतलब 70,000 ईयर्स के बाद सील लिफ्ट होनी थी. एक लेडी रूशी रिवर के पास पहुंची, उसे पता था कि सील आज लिफ्ट होने वाली है, तो उसने शिंकांग को वहीं सील कर दिया. सीमिंग पूछता है, 70,000 ईयर्स आपको तक नहीं पता था कि सील आज हटने वाली है, किसने ये प्रेडिक्ट किया? दीजुन कहता है, प्रेडिक्ट ही नहीं बल्कि इस लेडी को सब पता था, बट इसने किसी को भी नहीं बताया, मतलब वो अकेले शिंकांग से लड़ने वाली थी, वो किसी को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहती थी. सीमिंग कहता है, जितना इस लेडी के बारे में मैं सुन रहा हूँ उतना ही मैं उसे एडमायर करता जा रहा हूँ, वो लेडी कौन है? दीजुन कहता है, वो लेडी इस प्रिंसेस की आंट है. फेंग जू बाहर आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है. सीमिंग पूछता है, तो वो आपकी आंट Passion है, मतलब वो तो क्राउन प्रिंस की वाइफ होने वाली है? फेंग जू पूछता है, क्राउन प्रिंस की वाइफ? आंट तो सेकंड प्रिंस सांग जी से शादी करने वाली थी ना, क्राउन प्रिंस कैसे हो गए? सीमिंग हंस के स्टोरी बताता है. फेंग जू सुनती है, तभी दीजुन ठसका मारता है. सीमिंग पूछता है, आपको चिंगचू की Passion क्यों लगी? दीजुन कहता है, जो स्क्रोल तुम्हारे हाथ में है वो स्क्रोल Passion इस प्रिंसेस के पास छोड़ के गई है, इसमें बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर को सील करने का मेथड पूरे डिटेल के साथ लिखा है, तुम्हें ये कोइंसिडेंस नहीं लगता? सीमिंग कहता है, लगता तो है, बट अगर Passion ने चिंगचू के बाहर कदम तक नहीं रखा जब से वो पैदा हुई है, तो उन्हें मोयुआन की स्पेशल सीलिंग टेक्निक कैसे पता चली? दीजुन कहता है, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ. सीमिंग कहता है, ऐसी स्पेशल टेक्निक को तो कोई मास्टर अपने डिसिप्लिन को ही देगा, बट मोयुआन ने कभी भी फीमेल डिसिप्लिन को रखा ही नहीं. सीमिंग फेंग जू से पूछता है, प्रिंसेस आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? फेंग जू मना करके कहती है, मेरी आंट का कुल्लूर माउंटेन से कोई रिलेशन नहीं है. दीजुन कहता है,
वो तो हमें तब पता चलेगा जब मोयुवान वापस आएगा या फिर जब पाइशियान ये हुआ से शादी कर ले। तो मुझसे खुद ही पूछ लेना। सीमिंग हंस के कहते हैं, आप मजाक कर रहे हैं क्या? पाइशियान की हाई रैंक है, वो उनसे ऐसे केयरलेसली बात नहीं कर सकता। दीजुन के जाने के बाद फेंगजू सीमिंग से कहती है, आप मुझे पूरी स्टोरी बताएं और बाद में मुझे तीजुन की काइंडनेस को रिपे भी करना है, उसका तरीका भी बताएं। कैसे आंट क्राउन प्रिंस से शादी करने जा रही है पर बेल ऑफ पीस टेम्परर सिर्फ कंफ्यूज सा लग रहा है, एक्सप्लेन करो। दीजुन आवाज लगाता है। सीमिंग कहता है, चलते हुए मैं सब आपको बताता हूँ। वो सारी स्टोरी बताता है। फेंगजू सब सुनकर कहती है, मैं कुछ दिन क्या चली गई, आंट हर जगह मजाक बन के रह गई। भले ही जियान और ग्रैंडफादर ने इसे टॉलरेट कर लिया हो बट मैं नहीं करूंगी। सीमिंग कहता है, आप नहीं कर सकती तो क्या, आपकी आंट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेंगजू कहती है, वो तो टॉलरेट कर सकती है क्योंकि वो बहुत अच्छी है बट मैं नहीं, क्यों ना आप मुझे सेलेस्टियल पैलेस ले जाएं। सीमिंग शॉक होकर पूछता है, क्या? फेंगजू कहती है, मैं उस स्नेक को सबक सिखाऊंगी। सीमिंग कहता है, तो मैं क्राइम करने वाले के साथ पार्टनर बनूंगा क्या? फेंगजू मुंह बनाती है, यहाँ सांगजी और शाओशन नाइन हेवन छोड़ के जा रहे होते हैं। हेविलियन और कहता है, इस औरत के लिए तुमने अपनी जिंदगी के मायने खराब कर दिए, तुम्हारे अंदर कोई खटास है क्या? सांगजी मना करता है। हेविलियन और कहता है, तुम इस स्नेक को अपने साथ ले जा सकते हो बट इसे कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। सांगजी एक्सेप्ट करता है। बाद में दोनों बाहर जाते हैं, तभी सामने फेंगजू तलवार लेकर खड़ी होती है। वो शाओशन से कहती है, मेरी आंट ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तुमने उनका होने वाला हस्बैंड ही छीन लिया और पूरी दुनिया में उनका मजाक क्यों उड़वाया? शाओशिंग कहती है, प्रिंसेस। फेंगजू कहती है, तुम अब भी मुझे प्रिंसेस मानती हो? शाओशिंग ग्रीट करके कहती है, गलती मेरी है, आप गुस्सा ना हो। फेंगजू गुस्सा करके कहती है, तुम कमजोर होने का हमेशा नाटक करती हो। वह जैसे ही आगे बढ़ती है सांगजी उसे रोक के कहता है, ये बदतमीज लड़की कहाँ से आई है? सेलेस्टियल पैलेस में इतनी बेशर्मों वाली हरकत तुम कर कैसे सकती हो? फेंगजू कहती है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, तो तुम वो हार्टलेस पर्सन हो, सेलेस्टियल पैलेस के सेकंड प्रिंस सांगजी, जिसकी अब नीचे पोजीशन हो गई है। उप्स, अब तो आप नॉट सी के वाटर किंग हो, आपकी रैंक मुझसे भी नीचे है, तुम होते कौन हो जो मेरे रास्ते में आए? सांगजी गुस्सा करता है। तभी सीमिंग आकर दोनों को तमीज में रहने को कहता है। सांगजी कहता है, वो तो तुम थे इसलिए मैंने इसे जाने दिया। फेंगजू कहती है, मैं चिंगचू की प्रिंसेस हूँ, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है, तुमने चिंगचू को पहले धोखा दिया और अब तुम मुझसे लेक्चर भी नहीं ले सकते हो। तभी दीजुन आकर फेंगजू कहता है, सांगजी उसे रिस्पेक्ट देता है। दीजुन फेंगजू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारी तरफदारी यहाँ कौन करता? फेंगजू कहती है, मैं अपनी आंट की साइड ले रही थी। दीजुन कहता है, ये चिंगचू की प्रिंसेस है, फॉक्स किंग ने इसे बिगाड़ दिया है, वाटर किंग आप इनकी बात दिल पे ना ले। दीजुन पूछता है, ये लेडी तो पाइशान के चिंगचू की मेड है ना, तो क्या तुमने कभी सीन के बारे में सुना है? फेंगजू शॉक में मन में कहती है, दीजुन मोयुआन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्या शाओशिंग? तभी शाओशिंग झूठ बोलकर मना कर देती है। फेंगजू मन में कहती है, इसमें कुछ तो इंसानियत बच्ची है। तीजुन पूछता है, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं दोंग हुआ तीजुन हूँ, अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। फेंगजू मन में कहती है, बुली कहीं का। शाओशिंग कहती है, मैंने कभी सीन के बारे में नहीं सुना। तभी सांगजी बात पलट कर कहता है, तीजुन आप इसे प्रेशर ना दें, ये कई साल से चिंचू में रह रही है, इसे सीन के बारे में कैसे पता होगा? दीजुन स्माइल करके एग्री करके फेंगजू को देखता है। फेंगजू तीजुन को फॉलो करते ताइचन पैलेस में पहुंचती है, गार्ड फेंगजू को रोकते हैं। फेंगजू मन में कहती है, पूरी दुनिया में ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं घुस सकती, यहाँ गोल्डन टाइगर माउंट चिंजी में घूमता है। वहाँ वो एक घर को देखकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ एक इंसान आने की हिम्मत करेगा। वो गुस्सा करता है, यहाँ पाइशान अपना खाना पका रही होती है जैसे ही गोल्डन टाइगर अंदर आता है। वो पाइशान को कुल्लून आर्टिफैक्ट के साथ देखकर भाग जाता है। पाइशान उस पैन से आग को बढ़ाकर खाना पकाने लग जाती है। बाद में गोल्डन टाइगर सोच में पड़ता है, उसे 70,000 ईयर्स पहले सीन के गुस्से के नज़ारे याद आते हैं। वो कहता है, वो तो इंसान है और ऊपर से औरत, तो उसके पास ये प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून हो कैसे सकता है? तभी सामने से उसे क्राउन प्रिंस ये हुआ आकर कहता है, गोल्डन टाइगर और ये हुआ में लड़ाई होने लग जाती है। यहाँ पाइशान सोने की तैयारी करती है, तभी बाहर लाइटनिंग होती है। पाइशान कहती है, रेड लाइटनिंग, वो भी इस माउंटेन में? वो बाद में फिर सो जाती है। दूसरे ही दिन गोल्डन टाइगर वाटर रियम में हलचल बढ़ाता है, सभी लोग भागते हैं। ये हुआ गोल्डन टाइगर पे हमला करता है, दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है। गोल्डन टाइगर कहता है, मैं सेलेस्टियल ट्राइब से पिछले 70,000 ईयर से छुप रहा हूँ, तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो? ये हुआ कहता है, तुमने जो बोया है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। गोल्डन टाइगर अपने असली रूप में आकर बीस बनकर फायर निकालता है, वो सब कुछ जलाता है, लोग चिल्लाकर भागते हैं, एक बच्चा रोता है। गोल्डन टाइगर जैसे ही उस पे हमला करने जाता है, ये हुआ अपना ड्रैगन फॉर्म बनाकर उस बच्चे को बचा लेता है। दोनों में लड़ाई होती है, जैसे ही गोल्डन टाइगर हार जाता है तभी बारिश होती है। सभी टाउन के लोग ड्रैगन को प्रेज करते हैं और उसे ड्रैगन गॉड कहकर पुकारते हैं। ड्रैगन गॉड चला जाता है। ये हुआ एक केव में जाकर
छोटा होकर कहता है गोल्डन डैगर का क्रिम्सन हेलफायर वाकई में बहुत पावरफुल था। मैं इंसानी रूप भी नहीं ले सकता, कुछ दिन मुझे यही रेस्ट करना होगा। कुछ दिन बाद बायशान उस केव में पहुंचकर बर्ट को खाना खिलाकर उससे बात करती है। वो वहाँ ये हुआ कर ड्रैगन फॉर्म देखकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? लिटिल ब्लैक स्नेक, चलो मेरे साथ। वो उसे उठाकर अपनी टोकरी में घर ले आती है। ये हुआ उसे देखकर कहता है, ये कौन सी जगह है? ये तो वही इंसान है, मतलब जो फ्लैशबैक उसे आते थे, पर सपने में वो तो आदमी था, ये औरत कैसे बन गई? बायशान उसे देखकर कहती है, तुम उठ गए? तुम्हें पता है मैं जितने भी स्नेक से अब तक मिली हो तुम उसमें सबसे अट्रैक्टिव हो। देखो तो तुम्हारे हॉर्न्स भी हैं। वो उसे प्यार से खिलाकर कहती है, ये बहुत स्मूथ है और अच्छा है। ये हुआ कहता है, मैं स्नेक लग रहा हूँ क्या? पैशन कहती है, जब मैंने तुम्हें केव में देखा मुझे लगा तुम सर्दियों में आराम करे होंगे, बट अभी 9th मंथ है, स्नेक आराम करने नहीं जाते। तो मैं समझ गई तुम इंजर्ड हो गए हो, तो मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हें यहाँ ले आई। ये हुआ कहता है, भले ही गोल्डन टाइगर बहुत पावरफुल है बट वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। बायशान पूछती है, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता है? बर्ड्स और बीस्ट के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। ये हुआ कहता है, ये माउंट जुंजी है फार ईस्ट में, गोल्डन टाइगर ने यहाँ जानबूझकर माउंटेन पे कब्जा 10 साल से ज्यादा किया है, तो नेचुरली किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ शिकार करने की? बायशान कहती है, मेरे पास यही घर है, लगता है तुम्हारे पास घर नहीं, जहाँ तुम वापस जाना चाहते हो, तो क्यों ना कुछ दिन तुम यहाँ रुको और मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। ये हुआ कहता है, मुझे वापस ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए सिर्फ 3 दिन चाहिए और बाद में मैं सेलेस्टियल पैलेस वापस चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत होगी कि तुम मेरा ख्याल रखो? बायशान कहती है, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ दिन तक यहाँ रहो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट तुम किसी को अपना ओनर मत बनाना, ओके? ये हुआ कहता है, ओनर? बायशान कहती है, मैं कुछ एनिमल नहीं पकड़ पाई, बस मेरे पास कुछ फ्रूट ही है, तुम वो खा लेना। वो कुल्लू आर्टिफैक्ट को साइड में रखकर चली जाती है। ये हुआ कहता है, ये फैन इस इंसान के पास कैसे है? यहाँ सूजन ये हुआ से मिलने आती है, वो त्याजू जो ये हुआ का बॉडीगार्ड है उससे पूछती है, हाइनेस जल्दी रेस्ट कर रहे हैं क्या या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है? त्याजू कहते हैं, हाइनेस हेवनली लॉर्ड के ऑर्डर से गोल्डन टाइगर को मॉल्टन रियम में हराने गए हैं। सूजन पूछती है, वो तो शिंकांग का आदमी है। त्याजू एग्री करके कहता है, कोस्ट टाइप में बहुत बदलाव हुए हैं इसलिए वो मॉल्टन रियम में चला गया। सूजन पूछती है, हाइनेस कब तक लौटेंगे? मैंने उनके लिए सूप बनाया है, कहीं ठंडा ना हो जाए। त्याजू कहता है, एक दिन हेवन का 1 साल अर्थ का होता है, उनकी ट्रिप छोटी है, जब तक इंसेंस स्टिक जलेगी तब तक वो वापस आ जाएंगे। सूजन कहती है, आप सूप अंदर ले जाएं, जब हाइनेस लौटेंगे उन्हें ये सूप जरूर दे देना। यहाँ एवन लॉर्ड गुस्सा करके कहता है, वो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे और तुम लोग उनकी लॉयल्टी की बात कर रहे हो। यांगू कहता है, काम डाउन फादर, कुल्लून माउंटेन ऑलरेडी डिस्बैंड हो गया है इसलिए अभी पीसफुल रिलेशन की बहुत जरूरत है। लियांग सॉन्ग भी एग्री करके कहता है, मरबेट क्लैन साउथ में है और नॉर्थ के साथ वहाँ पीस भी नहीं है, मुझे लगता है अंदर मामला गर्म है। हेवन लॉर्ड कहता है, मैं समझता हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। वो ये हुआ के बारे में पूछता है। सूजन कहती है, क्राउन प्रिंस गोल्डन टाइगर को हराने मॉडर्न रेम में गए हैं। हेवन लॉर्ड कहता है, ये हुआ नहीं है, तो तुम दोनों अपने प्लान बताओ ताकि उन क्लैन के लीडर को हमारी सिंसियरिटी समझ आ जाए ताकि शांति बनी रहे। वो सूजन को जाने को कहता है। सूजन कहती है, मैजेस्टी आपको बिलीव है कि मैं बाहर वाले से मिली हूँ, मैं बचपन से यहाँ रही हूँ, जब से आप मुझे यहाँ लाए। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम औरत हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम जाओ। जाने से पहले सूजन कहती है, मेरे पास एक रास्ता है दोनों क्लान को एक साथ करने का। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या है? सूजन कहती है, मुझे दूसरी वाइफ बनने का टाइटल दो, अगर आपने मुझे साइड वाइफ का टाइटल दिया तो मेरा पूरा क्लान आपके साथ होगा और साथ में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैजेस्टी सभी क्लान को वैल्यू देते हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैं बूढ़ा हूँ और मुझे अपने हरम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सूजन रिक्वेस्ट करके कहती है, मेरी एक ही विश है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, दुनिया के लिए भी, जैसा मेरे फादर ने किया। हेवनली लॉर्ड कहता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर ने सेलेस्टियल राइट के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। सूजन कहती है, मरमेड क्लैन साउथ से नॉर्थ में प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं, सेलेस्टियल ट्राइब में और मैन पावर की जरूरत है, आप हिचकिचाए नहीं, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ, इसको लेकर मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं है। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम्हें सोचने की जरूरत है, यह जिंदगी का इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसे ऐसे ही मत लो। सूजन कहती है, अगर आपको मेरे ऊपर ये कर्ज लगता है तो आप प्लीज अलाउ करें ताकि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, जो मैं चाहूँ आप वो मुझे दे दें। यहाँ बायशान मेडिसिन प्रिपेयर करके कहती है, जब मैं तुम्हें यहाँ लाई मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम इंजर्ड हो। वो मेडिसिन यहुआ को लगा कर कहती है, जब मैं बर्ड्स का ख्याल रख रही थी तब मैंने ये हर्बल मेडिसिन उन पे लगाई, वो 10 दिन के अंदर ही ठीक हो गए, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यहुआ कहता है, ये येलो सीड हर्ब है जो यही फार ईस्ट में मिलती है, ये खराब स्किन को निकाल देती है, अगर तुम इसे बेरी के जूस के साथ यूज करोगी तो ये ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन अगर तुम इसे डायरेक्ट लगाओगे तो ये मेरी इंजरीज और खराब करेगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। पैशन कहती है, मैं अच्छी हूँ ना तुम्हारे लिए? वो बाद में कहती है, स्नेक डायरेक्टली मीट खाते हैं, है ना?
ये वो कहते हैं स्नेक डायरेक्ट मीट खाते हैं, बट मैं नहीं। पैसे आनु से खिलाती है बट ये वो खाता नहीं है। वो कहती है खा लो तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना। ये वो कहता है मीट को खाने से पहले पकाओगी नहीं। पाशान कहती है अगर तुम खाओगे नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। वो उसे किस कर देती है। ये हुआ कहता है बेशरम। पाशान कहती है तुम अब भी नहीं खा रहे हो, अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगी। ये हुआ कहता है कोई जरूरत नहीं है मैं खा ही लेता हूँ। वो उसे खिलाकर फ्रूट देख कर कहती है यहाँ के स्नेक बड़े चालू है, क्या खाने को पसंद है वो सिलेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा हुआ मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, तुम उन बर्ड्स और कैट से ज्यादा समझदार निकले, तो मेरे साथ मार्केट क्यों नहीं चलते, हम कुछ सामान ही ले लेंगे। ये हुआ कहता है तीन दिन हो गए हैं, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। भले ही तुमने मेरी इंजरीज और खराब कर दी पर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था। थैंक यू जो तुमने मेरा तीन दिन तक ख्याल रखा, चलता हूँ। पैशन कहती है तो चलते हैं। वो उसे टोकरी में रखती है। ये हुआ बाहर निकल कर कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा कि बारिश होने वाली है। वो उसे ले जाती है। रास्ते में पैशन कहती है बारिश होने वाली है, कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। ये हुआ बाहर निकल कर अंदर चला जाता है। यहाँ एक डाइटी कहती है क्राउन प्रिंस या गोल्डन टाइगर को हराने आए हैं। अगर ये न्यूज मुझे पहले मिली होती तो अच्छा होता, मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ बट उनसे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। तभी वहाँ ये हुआ अगर कहता है तुम बारिश करने जा रही हो, इमॉर्टल ग्रीट करती है। ये हुआ कहता है आज बारिश मत करो। यहाँ बारिशान छुपी होती है, वो बाद में कहती है बादल चले गए। वो ये हुआ को देख कर कहती है तुम फिर से सो गए, स्नेक खाते हैं और सोते ही हैं, तुम वाकई में स्नेक हो। ये हुआ सेलेस्टियल ट्राइब में वापस लौटता है। वो ग्रीट करके कहता है मैंने गोल्डन टाइगर को हरा दिया, मैं सिर्फ ये रिपोर्ट देने आया था। हेवनली लॉर्ड कहता है बढ़िया तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हो। ये हुआ कहता है बट मैं केयरलेस हो गया और इसलिए मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस के लायक नहीं हूँ। हेवनली लॉर्ड पूछता है ज्यादा सीरियस है। ये हुआ मना करके कहता है मैंने अच्छे से हैंडल नहीं किया, मुझे नई ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। हेवनली लॉर्ड कहता है क्रिमसन हेलफायर कि मॉन्स्टर की पार मामूली नहीं होती, इसको हल्के में मत लेना। यहाँ मॉर्टल रिम में रियांजी पहुँचती है। एक पर्सन उसे मॉन्स्टर यानी गोल्डन टाइगर के बारे में सब कुछ बताकर कहता है भला हो ब्लैक ड्रैगन का जिसने हम सभी को बचा लिया। यांजी मॉन्स्टर गोल्डन टाइगर के बारे में और पूछती है, पर्सन मना करके चला जाता है। यांजी मन में कहती है ली युआन फादर के आदमी गोल्डन टाइगर के साथ गायब हो गया, अगर वो गोल्डन टाइगर ही है तो मुझे ली युआन के बारे में कुछ तो पता चलेगा। यहाँ बाईशान फ्रूट बेचकर एक स्टॉल पे पैसे लेकर ये हुआ से कहती है चलो टी हाउस चलते हैं, वहाँ हम ओपेरा भी देखेंगे। तभी एक पर्सन मॉन्स्टर को भगाने वाली टेल्समैन बेचता है, सभी लोग उससे खरीदते हैं। पैशन पूछती है क्या ये वाकई में इविल को भगाएगा। पर्सन एग्री करके रहता है तुम नहीं खरीदोगे क्या। पैशन मना करके कहती है मुझे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता। पर्सन कहता है एक ऐसी लेडी में करेज है जिसे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता, वह कुल्लन आर्टिफैक्ट से हवा करके चली जाती है। पर्सन उसका पीछा करके एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। पैशन कहती है मुझे टेल्समैन नहीं खरीदना, आप मेरा पीछा करते यहाँ क्यों आ गए। पर्सन कहता है मुझे इस फैन के बारे में जानना है। पैशन कहती है मुझे ये मिला है। पर्सन कहता है क्यों ना आप इसे मुझे भेज दे। पैशन मना करके कहती है ये फैन मुझे पहले मिला है इसलिए मैं इसको याद के तौर पे रखना चाहती हूँ। पर्सन कहता है इससे आपको कोई यूज नहीं है, फिर भी आप इसे रखने की इज्जत क्यों कर रही हो। पैशन कहती है मुझे नहीं बेचना। पर्सन उसे फैन लेकर कहता है तुमने मेरा फैन चुराया जब मैं टेल्समैन बेच रहा था। पैशन कहती है किसने चुराया वापस दो मुझे। पर्सन कहता है मैं बाहर टेल्समैन बेच रहा था, तुम भीड़ में आई और मेरा फैन चुरा के ले जा रही हो। पैशन कहती है ये तो मेरा है। पर्सन रेस्टोरेंट में ड्रामा करके कहता है मिस आप जिद्दी है, आपका कोई विटनेस है जो ये कह सके ये फैन आपका है। पैशन कहती है ये फैन मेरा है तो मैं विटनेस क्यों लाऊं। पर्सन कहता है अगर ये तुम्हारा है तो जो भी अंदर बना हुआ है उसे बताओ। पैशन कहती है मैंने अंदर ध्यान से नहीं देखा। पर्सन कहता है तुम नहीं जानती इस फैन की हिस्ट्री के बारे में, बस मेरे एंसेस्टर ने इसे मुझे पास किया है, मेरे सभी जनरेशन से होकर यह मेरे पास आया है। इस पेंटिंग में इमॉर्टल कुल्लन माउंटेन है और ये फैन इमॉर्टल आर्टिफैक्ट द जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लन है। तभी वहाँ यांजी ये सब देखती है। पैशन कहती है जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लन। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगिया यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगिया एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन डॉट जगिया। थैंक यू।